हाय, आज सरोजिनी नगर में कम्पीट करेंगे मम्मी और पापा। दोनों को एक एक आउटफिट पिक करना है मेरे लिए। वैसे स्पेसिफिक बजट नहीं है, लेकिन पॉइंट्स डेफिनेटली गिने जाएंगे कि कितने बजट में कितने पीसेस वो ले पाए। एंड इट हैज टू रिफ्लेक्ट देयर ट्रू स्टाइल कि वो मुझे कैसे ड्रेसअप करना चाहते हैं। पापा को इतनी मेहनत करते हुए देख के मुझे इतना अच्छा लगा। वो एक एक चीज मैच कर रहे थे और इतना भाव भी कर रहे थे। कितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी एकदम शॉक हो गए थे कि अरे क्या मस्त पिक कर रहे हैं और बार्गेन कर रहे हैं। ये चलेगा, ये बेस्ट आउटफिट है तेरे लिए। आपको पसंद है? ये भी है। दिस इज मोर रिचर। ही इज कंपेयरिंग टू व्हाइट बैग। रियली आई थिंक दिस इज ओके। 300 200। ये ग्रे ड्रेस लेते वक्त पापा मम्मी को बहुत चिल्ला रहे थे कि अरे इतनी छोटी ड्रेस, इसके नीचे का किधर है? ऐसा थोड़ी कोई आउटफिट होता है। लेकिन मम्मी वॉज लाइक, ये कॉम्पिटिशन है, मुझे यही लेना है। रास्ते का माल सस्ते में दिया जा रहा है। मम्मा के आउटफिट के फुटवेयर मिल ही नहीं रहे थे। बस देन वी फाउंड देम हियर। एंड मदन मनार दोनों का कंप्लीट हो गया। बैक इन मुंबई एंड मम्मी पापा दोनों ने इतने अलग आउटफिट्स लिए कि आई कांट वेट टू एक्चुअली वेयर देम एंड सी व्हिच वन इज अ बेटर आउटफिट, जिसके जज तो आप ही हैं। सो लेट मी पुट ऑन मम्मीज आउटफिट फर्स्ट। माई गॉड, मम्मी का आउटफिट इज लिटरली अ विंटर पार्टी आउटफिट, क्योंकि ये ड्रेस इतनी हॉट लग रही है। तो नेकलाइन इज वेरी यूनिक एंड लेंथ भी काफ़ी शॉर्ट है। थोड़ी सी और लंबी होती तो मैं शायद और कंफर्टेबल फील करती, बट कैन यू टेल दिस इज 100 rupee ड्रेस। जैसे मम्मी की आंखें उस पर पड़ी, शी इज लाइक दिस इज द आउटफिट। एंड द सेकेंड थिंग शी वॉट वर द इयररिंग्स, तो क्लियरली यहाँ तक वो ग्लैम पे पहुँच चुकी थी। दिस वॉज 100 rupees के इयररिंग्स थे शायद, सो फार विद 200 rupees डाउन। Then she bought the bag, and this is the one element which I think is a little off, क्योंकि ये थोड़ी casual vibes है, you know, a bum bag usually looks a bit casual, so it's not going with the party element. ये bag थी 200 rupees की, तो इसके लिए एक point काटा जाएगा, but the heels, इतने sparkly, 500 rupees में ऐसे हील्स मैंने कोई स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट में कभी नहीं देखे। इतने सारे डायमंड्स हैं इन द फ्रंट, देयर इज अ ब्यूटीफुल टाई अप सेक्शन। इसका जो एक्चुअल हील है वो भी क्रिस्टल, वो सिंड्रेला के ग्लास शूज वाला वाइब दे रहा है। इफ आई टोटल इट अप, आई थिंक वी 900 rupees इनटू दिस आउटफिट एंड इट्स अमेजिंग फॉर दैट। आई थिंक मैं इसको दूंगी 9 out of 10। आई एम जस्ट कटिंग 1 mark फॉर द बैग, अदरवाइज इट टू गुड। सो नाउ पप्पा हैज अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन। लेट्स सी व्हाट हिज आउटफिट लुक्स लाइक। मस्त बोल्ड आउटफिट पिक किया था, पापा ने लिटरली उसका ऑपोजिट पूरा नेक से लेके पैर तक कवर्ड आउटफिट पिक किया। इज इट स्मार्ट? आई थिंक इट्स लाइक 10 on 10 स्मार्ट, बिकॉज द कलर्स, ही लव्स ब्लू एंड आई एम श्योर यू कैन सी दैट। एंड इतनी मेहनत ही, इज लाइक नहीं इयररिंग्स भी सेटल रखनी है मुझे, बाकी सब वाइट रखना है। तो आई थिंक ही इज पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू इट, विच इज़ ट्रांसलेटिंग। फर्स्ट थिंग ही फाउंड वर द जीन्स, एंड जीन्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी साइज के लिए, क्योंकि सब पतली पतली कवर के लिए थी। सो द वन दैट फिट मी आर फ्रॉम गेस, दे आर वेरी वेरी नाइस। ही न्यू दिस ब्रांड ऑल्सो, सो वी पिक दीज फॉर 200 rupees। देन ही फाउंड दिस स्वेटर एंड ही वॉज आस्किंग मम्मी की ये जाएगा क्या इसके साथ। I was like, of course. So he got this for 100 rupees. Then he found the bag. It's a very, very versatile bag. I know it's a common design, but it'll go with the semi-casual, semi-formal outfit also. It'll go with like dresses also. So he bought this for 250 rupees, which is a steal. And lastly, he picked these loafers, jo I think 150 se 200 ke beech mein the. Main 100% sure nahi hu, but let's count 150. So 150, 250, 400, 300. And earrings 50, 750. Oh my god, I think he bought more things than mom for 750 rupees. Okay,
ओके सो मम्मी का आउटफिट देख के मुझे लगा था कि ओ शी हैज अ हायर क्या बोलते हैं ज्यादा वेटेज बट नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई थिंक पापा डिड बेटर सो यू हैव टू ऑफ कोर्स अनाउंस द विनर इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको लगता है कि मम्मी पिक द आउटफिट देन कमेंट अ ग्रीन हार्ट एंड इफ यू थिंक पापा पिक अ बेटर आउटफिट देन कमेंट से अ पर्पल हार्ट सो लेट्स सी हु विंस इन द कमेंट्स बट आई थिंक आई विल गिव दिस आउटफिट 10 ऑन 10 बिकॉज़ आई कांट फॉल्ट इट इसमें कोई फॉल्स नहीं है सो टेल मी व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस अभी आप मुझे देखोगे मोस्टली लंदन में फ्रॉम फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स तो उधर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस मैंने सोचा आप कॉमेंट्स में भी बता देना वॉट डू यू वॉन्ट टू सी फ्रॉम मी ओवर देयर लेकिन डू सब्सक्राइब इट मीन्स अ लॉट टू मी बट अगर आपको मजा नहीं भी आया तो इट्स ओके यू कैन गिव इट अ थम्स डाउन आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून अंटिल देन गुड बाय